नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, अध्यापक समाचार आ रहे हैं। दिवाली का तोहफा, प्रदेश के लाखों अध्यापकों को मिलेगा सात वेतनमान। सभी अध्यापक देखें और लिखें। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो चलिए देख लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, दीपावली पर राज्य सरकार ने प्रदेश के 1,84,000 अध्यापकों को सातवें वेतनमान का तोहफा दिया है। शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक अध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ 1 जुलाई 2018 की तारीख से दिया जाएगा। चूंकि दीपावली पर्व के कारण अधिकांश जिलों में अध्यापकों के वेतन का बिल बनकर कोषालय में जमा किया जा चुका है, इसलिए उन्हें बढ़े हुए वेतन का वास्तविक लाभ नवम्बर 2019 के वेतन से प्राप्त होगा। इसमें अक्टूबर 2019 के बढ़े हुए वेतन का एरियर भी दिया जाएगा। यानी स्पष्ट है कि दिसंबर 2019 में जो वेतन अध्यापकों को मिलेगा वह सात वेतनमान के हिसाब से ही होगा। बचे हुए महीने 1 जुलाई 2018 से सितंबर 2019 तक का एरियर किस्तों में दिया जाएगा, जिसके प्रत्यक्ष से आदेश जारी होंगे। इसमें जो है अध्यापकों को वचन पत्र भरकर देना होगा। सातवें वेतनमान प्राप्त करने के लिए सभी अध्यापकों को वचन पत्र भरकर देना होगा। सरकार ने आदेश में कहा है कि सेवा शर्तों के तहत वचन पत्र प्राप्त होने के बाद ही नया वेतनमान दिया जाएगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2018 की स्थिति में छठवें वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन के आधार पर सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण की पात्रता होगी एवं सातवें वेतनमान में तय किए गए वेतन का अनुमोदन वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र में अध्यापकों को सातवें वेतनमान देने का वादा किया था, इसी के मद्देनजर सरकार ने दीपावली का तोहफा दिया है। अध्यापकों को बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर के वेतन से ही लागू कर दिया गया है। अध्यापकों को सरकारी कर्मियों के समान वेतन का फायदा होगा। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश। डाटा आधार से मैच न होने पर क्या थी परेशानी? शासकीय अध्यापक संगठन के प्रदेश संयोजक ने बताया कि एम्प्लॉय कोड और EKYC की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पिछले 1 साल से की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है, जिसमें सातवें वेतनमान का लाभ मिलना इतनी जल्दी संभव नहीं है। प्रदेश के 1,84,000 अध्यापकों का डाटा आधार से मैच किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 माह का समय लगेगा। वहीं जगदीश यादव में प्रांत अध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ, उनका कहना कि आदेश जारी तो हुआ है लेकिन एम्प्लॉय कोड जारी नहीं होने से भुगतान संभव नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि कितना वेतन बढ़ेगा, किसको कितना फायदा होगा। सभी संवर्ग के अध्यापकों को लगभग 5,000 रुपये का फायदा होगा। बात करते हैं सहायक अध्यापक की, तो 5,000 रुपये न्यूनतम लाभ होगा, और अध्यापक की बात करते हैं 6,000 से 7,000 रुपये न्यूनतम वेतन, और वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपये का फायदा होगा। हर माह बढ़ेगा 160 करोड़ का बोझ सरकार पर। अध्यापकों को सातवें वेतनमान देने से सरकार पर हर माह 160 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। सालाना 2,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर आएगा। इसके लिए शासन ने पहले से ही बजट का प्रावधान किया हुआ है। तो दोस्तों, इस पर अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और आगे आपको इसी लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे इसलिए अपनी स्टूडियो जुड़ना न भूलें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।